अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हुई हूँ गांव में और बहुत ही कमाल का मौसम था। हम लोग छत पे आए, सोचा कि ना थोड़ी सी वीडियो शेयर की जाए आपसे। और आई थिंक यहाँ पे अब कॉर्न उतर चुकी है और चावल लगने हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग आए हुए हैं बूरेवाला की साइड पे। बूरेवाला से थोड़ा सा आगे है, तकरीबन चिचावतनी के साथ ही है गांव। उधर आए हुए हम, मेरी सिस्टर की शादी की दावत थी तो वो हम लोग खाने के लिए आए थे। पता नहीं उस शादी उसकी हुई है, हमें भी साथ इनवाइट कर लेते हैं। हमारी मुफ्ती में दावतें हो रही हैं, तो जिस जिसने भी उनको दावत दी है ना, तो साथ में हमारी पूरी फैमिली को ज़रूर दावत मिली है। तो मैंने सोचा आज यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही ग्रीनरी थी यहाँ पे और मज़ा आया। खाना इतना मज़े का था ना, आग पे पकी हुई थी हर चीज़, बकरे का गोश्त जो हो मेरे तो अभी भी वॉइस ओवर करते हुए ना मेरे मुँह में पानी आ गया सोच के कि इतना मज़े का खाना था। तो साथ में थे राइस बीफ के आई थिंक, और चिकन पकौड़ा था, और शामी कबाब थे, और खीर की कस्टर्ड था, आइसक्रीम भी। इतना मज़े का खाना मैंने इससे पहले नहीं खाया था जितना ये मज़े का बना था। तो यहाँ पे नीचे मुर्गियाँ अपनी खुराक ढूंढ रही थी, तो हम लोग ऊपर से उसको ना कोई चीज़ फेंक रहे थे कि ये खा लें, बेचारी भूखी हैं। तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि ये फौरन ईद के बाद मैंने शूट की थी, लेकिन फिर गर्मी से की अपलोड और वीडियो अपलोड करती रही। उसके बाद मेरे बिल्ले आ गए और उसके बाद तो मैं इतनी बिजी हो गई कि समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी वीडियो कब अपलोड करनी है, कैसे वॉइस ओवर करनी है। तो ये लोग मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं करने देते। रात को मैं उठ के इनको देखती हूँ कि ये लोग ठीक है ना, इन्हें भूख तो नहीं लगी होगी, इन्होंने वॉशरूम में तो नहीं जाना, इन्होंने पानी तो नहीं पीना। तो मेरे भाई कह रहा था कि खुदा के लिए बस कर दो, जितना तुम कर रही हो ना वहम, इन्होंने कोई नहीं फलना फूलना। तो उसकी बात भी मुझे बिल्कुल ठीक लग रही थी कि इतना नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ही फिर हो जाएंगे हैं। यहाँ के घर इतने नीट क्लीन, गांव में रह के इन्होंने हर चीज़ को, ये मेरी पप्पो का घर है बूरेवाला से आगे, ये ना गांव है वहाँ पे रहती हैं वो, मेरी इकलौती पप्पो हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही नाइस हैं। पप्पो का नाम बदनाम बहुत है लेकिन ये मेरी पप्पो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़र ना लगाए। तो ये घर था तकरीबन कितने का होगा, दो कनाल का होगा, लेकिन ये ना साथ ही इन्होंने भैंसों का बनाया हुआ था। तो उसकी दीवार में दरवाज़ा जो है ना घर से ही जा रहा था, तो साइड पे नहीं था, साथ ही इनकी ये ज़मीनें हैं। और बहुत ही मेरे भाई जो है ना वो फ़ोन दे के जा रहे हैं इधर से, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो देख रहे थे ये ऊपर वीडियो क्यों बना रही हूँ या हम मैंने जल्दी से साइड पे कर लिया कैम। तो यहाँ पे देखते हैं जी, मौसम इतना प्यारा था ना, और यहाँ पे फिर हमने चाय पी उसका, ओ हो चाय इतनी मज़े की आग पे, ओ बहुत ही मज़े की चाय बनी थी। गांव की हर चीज़ ही ज़रूर, कुछ लोग होते हैं जो साफ़ सफाई का इतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन
90% जो लोग जिनको मैं जानती हूँ ना, वो लोग गांव में रह के भी हमसे ज़्यादा सफाई का ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा नीट क्लीन घर नीचे से भी, और फिर जानवर भी रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन शाम का टाइम जब होना है तो उन्होंने जी सारे पौधों को पानी दे के, सारे सहन में पानी गिरा के, फिर चार पहिया बिछा के आगे कूलर लगा देना या पंखा लगा देना, एसी से बढ़ के वो लग रहा होता है मॉल। और ये देखें नीचे एक साइड पे इन्होंने सारी चार पहियाँ रखी हुई हैं, दूसरी साइड पे अब ये चार पहियाँ बिछा के और पंखा वगैरह लगा देंगे। ये घर है दूसरा, दूसरे घर की हम लोग छत पे हैं। तो नीचे सायरा जो है ना, सायरा को पौधों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये ना पौधे संभाल रही थी, पौधों को पानी दे रही है। इसको पौधे संभालने का बहुत शौक है, उससे पूछ रही थी कि इनको क्या क्या करना है, मैंने अब जाते हुए पत्तों की से लेके जाने हैं। तो पत्तों की नर्सरियाँ कमाल की हैं, केयर भी अच्छी बताते हैं। तो ये कह रही थी कि मैंने लगाना है। देखें गांव के घर इतने अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मेरी सिस्टर, मैं कह रही थी ना देखो ये कितना सारा कुछ नीट क्लीन लग रहा है, मेरी सिस्टर कह रही थी बस फिर तेरी शादी ऐसी करा देंगे। मैंने कहा लो, एक तो तारीफ करने का भी कोई हाल नहीं है। आप देखें ये पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं ना, अनार लगे हुए हैं यहाँ पे कच्चे कच्चे, सारी वो बता रही थी कि ये इतनी देर हो गई है, ये इतनी देर हो गई है। एक छोटी सी चिड़ी आई है, वो ना इसके नीचे उसने घोंसला बना के ना, तो बच्चे दिए हैं बड़े ही प्यारे थे। इसके साथ ही ब्लॉग ख़त्म होने वाला है, आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।